और उसके बाद हम उसको 9 महीने में कन्वर्ट करेंगे, तो आप मेरे साथ यूएसए जा सकते हो इसके लिए करने के लिए। कौन कौन रेडी है ये करने के लिए? जो मैं बताऊंगा वो करने के लिए कौन कौन रेडी है आप बताओ अपना मैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगली 7 पीढ़ियां चेंज हो जाएगी। आपको बोला जाएगा कि ये लेडीज ये जेंट्स हमारे खानदान में पैदा हुआ था, उसने अगली 7 पीढ़ियां बदली अगर आपने ये काम किया। नंबर 1 के लिए किसी भी काम को करने के लिए आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। माइंडसेट, जब तक माइंडसेट सही नहीं होता हमारा ब्रेन दो ही काम करता है, ध्यान से समझ लेना। एक तो ये आपको मरने नहीं देता। अभी हम इस हॉल में यहां पर स्पार्किंग हो जाए या आग लग जाए, आपकी बॉडी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 सेकंड के बाद बाहर निकल जाओगे। मैं जितना मर्जी रोकता हूं मैं रुक जाओ कुछ नहीं हुआ या ऊपर से कुछ गिरना शुरू हो जाए तो आप कोई बात नहीं सुनोगे, आपकी बॉडी को तुम्हारा ब्रेन बाहर ले जाएगा, बाद में करेंगे सब कुछ। दूसरा काम करता है ब्रेन आपका, लॉस नहीं होने देता। आपकी अमेरिका की टिकट है, आपके एयरपोर्ट कितने बजे पहुंचना है, ये ब्रेन आपको उससे 2 घंटे पहले पहुंचा देगा। 2 घंटे आप पहले पक्का पहुंच जाओगे। आपकी सुप्रीम कोर्ट में डेट है, ये आपको टिकने नहीं देगा, आपको बोलेगा कि आप तुम पहुंचो। तो 2 काम ये जो ब्रेन करता है इसको यूज कैसे करना है। आपने मान लो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट करवाई है, 36 महीने की इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपए महीने की। 5 तारीख को चेक लगता है आपके बैंक का, आप चेक करो पूरे 36 महीने, आप 2-3 तारीख को बैलेंस पूरा कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी पास नहीं हुई तो बैंक वाले 5,000 का फाइन कर देंगे, दोबारा चेक लगेगा। वो 5,000 के चक्कर में आपका ब्रेन कहीं से भी पैसे इकट्ठे करे आपका वो काम कंप्लीट होता है। आपके घर पे शादी है, जैसे मर्जी अरेंजमेंट करे वो शादी हो जाती है, आपका घर बन रहा है। आप सोचो कि 20 लाख रुपए लगा रहे हैं लेकिन बनते बनते 40 लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कहां से आता है, क्योंकि ब्रेन काम कर रहा होता है। अगर आप अपने ब्रेन को कोई गोल दे दोगे, कोई टारगेट दे दोगे, तो ये उसके लिए काम करता है, आपको कभी भी हार भी नहीं देता है। लेकिन इसको करने के लिए आपकी गोल के साथ डेट होनी चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए कि ये मैंने करना क्यों है। अगर आपका वाई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, फिर आपको 100% कर पाओगे। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ब्रेन काम तो करता है लेकिन एक ब्रेन बिल्कुल शांत है, एक ब्रेन अशांत है, उसमें बहुत डिफरेंस है। वो लोग इस दुनिया में बहुत पावरफुल काम कर जाते हैं जो अंदर से शांत होते हैं। अगर आपके अंदर कोई महाभार चल रही है, फादर से झगड़ा चल रहा है, ब्रदर से झगड़ा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, या आपको कोई बीमारी हो गई है, या आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपका वाइफ के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, या आपका कोई हस्बैंड के साथ झगड़ा चल रहा है, फिर ये ब्रेन उतना काम नहीं करता। मान लो सुबह हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया है, पूरा दिन जो सामने बंदा बैठेगा ना आधी बात में बोलेगा आपको समझ नहीं आएगी, वो क्या बोल गया, इसका उत्तर मैंने क्या देना, बीच में वही घूमता रहता है। और कभी कभी हम सोचते हैं सर ये करना किसके लिए है, ये तो साथ में मेरा घरवाला तो लड़ता रहता है, मेरे घर वाले तो मेरी बेइज्जती करती रहती है, मेरे बच्चे तो मेरा कहना नहीं मानते, मैं क्यों इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूं। जब ये ब्रेन आपका माइंड डिस्टर्ब होता है तो फिर उतना काम नहीं करता। अगर आप बड़ा करना चाहते हो सबसे पहले अपने आप को शांत करो। जैसे मैं रोज आपको बोलता हूं 20-25 मिनट भगवान का नाम लेना है, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करनी है, सुबह के 2 घंटे अपने आप में लगाओ, इस बॉडी को इस ब्रेन को नॉर्मल करो, फिर जो आप दिन में करोगे वो आपकी लाइफ में जादू करेगा। मैंने हरकर लाइफ में वो लोग बहुत ग्रो करते हुए देखे हैं जो शांत है, जिनका कोई झगड़ा नहीं, इनके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दो। बाकी आ जाओ अगर आ जाओ स्टेज पे, आपको जादू सिखाओ, क्लैपिंग कर रहे हैं इनके लिए।
बढ़िया से क्लैपिंग कर दो। कितनी देर से चल रहा था भाई को साहब? पिछले 30 साल चल रहा है। 30 साल लाइफ की सब
सिर्फ अपने आप में काम करना, सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ। प्यार नहीं कहना नहीं, मैंने एक करोड़ रुपए का चेक लिया कर था, सब लाइन लाभ का था, आने का लाइन लाभ जैसे जितनी भी
उससे प्यार होगा जानना चाहते हो। अगर वो चारों में से कोई भी टाइम नहीं लेगा ना तो वो उसको मना नहीं करेगा तो ले ले। उसको बोलेगा तुम चेक करोगे तुम ठीक हो जाओगे तो अपनी शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले वो उसको बंद करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मेरा भाई प्रोडक्ट ले रहा है मेरा स्कैम हो गया मेरे जिसने पे उठा आ गई मेरे को पता है ज्यादा उसकी भी 14 अगर उसकी बात हो गई तो मैं पक्का बोलूंगा कि मेरे को कर दी। और 4-3 महीने के बाद जो लोग पक्का चले जाएंगे बात बस सबसे 1 साल के बाद मेरा कहना माना कर देगा वो 1 ईयर के बाद। लेकिन 1 साल मांगने के बाद ये बहुत जल्दी मेरे टाइम में लगने वाले हैं क्लैप कर दो। अगर किसी ब्रांडेड टीम को बनाने के लिए आपको 1 साल भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम है। अच्छा मैंने इनके इन्वेस्टमेंट क्या किया जानना चाहते हो? मैंने तो बस 3 बोल ही किया और तो मैंने कुछ नहीं किया और मेरा कितना खर्चा आ गया और अभी मेरे को आदमी ने बाबा करते हुए और 5-7 महीने के बाद 20 लाख रुपया देंगे और जब ये चेयरमैन बन जाएंगे 50 लाख रुपया भी कर देंगे। मेरे को साथ में 3 बोर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? आप करोगे कि नहीं करोगे? हर तरह का बिजनेस ये नहीं है कि आपके साथ 10,000 लोग जुड़ जाए। अब 5 साल की जोड़ दो है नहीं ये पार है कम साथ में एक बंदा भी मिल गया ना आपको एक बंदा भी 1 ईयर में एक इंसान ऐसा मिल गया जो कहता मैं अमीर होना चाहता हूं और मैं फिट होना चाहता हूं। अगली 7 पीढ़ियां बदल जाएगी मेरी स्पॉन्सर के नीचे मैं एक ही सुपरवाइजर हूं और वो 1 डायमंड प्रेजेंट टीम है क्लैप कर दो 1 डायमंड प्रेजेंट टीम। ये है हर्बलाइफ का इसको समझ जाओगे जिंदगी चेंज हो जाएगी। एक छोटी सी वीडियो है देखना चाहते हो अगर 99 मेरे साथ है आप उठा दो। अगर यह 7 दुनिया आपकी चेंज हो जाएगी सारी दुनिया आपको बोले तुम नहीं कर सकते तो तुमने कहा चुप कर सारे का कर सकता हूं क्योंकि आप कर सकते हो। आपको चारों तरफ के जो लोग हैं उन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है उनको लगता है कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं ये जितने लोग आगे बैठे हैं इन्होंने कुछ अलग नहीं किया है इन्होंने बस हमारा कहना माना है। अब जितने गेटिंग है गेट 2-5 है मिलती है आप सभी लोग अभी यहां पे बैठे बोल रही है गेट 2-5 मिलती और एक्टिव मल्टी सभी लोग बोल रही है 3-3-2025 पूरा लिखा है 2-0-2 20-25 पूरा लिखा है 2025 3-3-2025 को मैं गुरमत सर के साथ यूएसए लॉस एंजल्स चला गया हूं आज की कॉलेज में लिखो ये बड़ा बड़ा। जितने भी लोग एक्टिव टीम है गेट टीम है गेट 2-5 है मिलीनियम टीम है मिल 7500 है वो तो आप क्वालिफाई हो आप ये लिखो। इस बार मैं कहता हूं तेरी कोटेशन पता है क्यों नहीं हुई ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ